खबर इसराइल से। इसराइल हमास युद्ध में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसराइल में 900 जबकि गाजा पट्टी में 600 लोगों की मौत हुई है। इस बीच में हमास ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए तो वो इसराइली बंधकों को मारना शुरू कर देगा। ये एक चेतावनी भी या ब्लैकमेलिंग आप कह सकते हैं कि शुरू कर दी गई है हमास की तरफ से कि अगर इसराइल ये हमले बंद नहीं करता है तो फिर इसराइली बंधकों को वो यानी हमास मारना शुरू कर देगा। फिलिस्तीन ने यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि इसराइल को रोके। इसराइल लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब उधर बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में हम दुश्मन के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी।